रिसर्च की या आविष्कार की बात हो तो हमें हमेशा आईआईटी, एनआईटी या फिर बड़े बड़े संस्थानों के नाम ही ध्यान में आते हैं, लेकिन क्या इन संस्थानों के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो भारत के नाम पर दुनिया को कुछ दे सकते हैं? हम मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन लंबा वक्त हुआ जब भारत दावा कर सके कि उसने अपने यहाँ कुछ ऐसा बनाया है जिसे दुनिया अपनाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिवाकर वैश बस 23 साल के हैं। एसेट ट्रेनिंग व रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। यहीं काम करते करते उन्होंने एक ऐसा कमाल का आविष्कार कर डाला है जो हमें हैरान कर सकता है। ऐसी व्हीलचेयर जो सिर्फ आपके दिमाग के इशारे पर काम करेगी। इसके लिए ना किसी आवाज की जरूरत है, ना किसी और के सहारे की। सबसे पहला हमारा जो एम था वो उन लोगों पे था जो कि डिसेबल्ड है और जो कि बिल्कुल बेड बाउंड है या व्हीलचेयर बाउंड है और वो हिल नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका कम्युनिकेट करने का मेरे ख्याल से ब्रेन कंट्रोल है। मेन चीज़ ये नहीं है कि आप व्हीलचेयर को अपने दिमाग से चलाएं, मेन चीज़ ये है कि आप व्हीलचेयर को अपने दिमाग के हिसाब से ऐसे चलाएं कि वो हमेशा हर बार करेक्ट हो। दिवाकर का दावा है कि दिमाग से ऑपरेट होने वाली ये व्हीलचेयर दुनिया की पहली ऐसी व्हीलचेयर है। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये काम करती है आपके दिमाग की न्यूरॉन से। आपकी भूख, प्यास, गुस्सा या कोई भी इच्छा हो, आपके दिमाग और बाकी शरीर में तालमेल बैठाने वाले ये न्यूरॉन्स ही हैं। ठीक उसी तरह दिमाग और व्हीलचेयर में तालमेल बैठाने का काम ये सेंसर कर रहा है जिसे सिर पर लगाया जाता है। हमने इस व्हीलचेयर के ऊपर एक सेंसर यहाँ पे लगा रखा है और उस सेंसर का मेन काम ये होता है कि पता लगाए कि उसके ऊपर कोई आदमी बैठा है कि नहीं बैठा। अभी हमने इस सेंसर को डीएक्टिवेट कर दिया है और अभी मैं इसे केवल सोच के चलाऊंगा, हमें कोई बटन की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे अपने पास वापस ले आने के बारे में सोचूंगा, राइट मोड़ने की कोशिश करूंगा। सो मैं सिर्फ सोचूंगा और वो काम हो जाएगा। कर देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता। तभी आपने देखा कि ऑटोमेटिकली ये मेरे पास आ चुकी है और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सोचूंगा और सोचने से ही व्हीलचेयर चलेगी। YouTube पर भी ऐसी कई वीडियोस मिली जहां ऐसी व्हीलचेयर बनाए जाने की कोशिशें कई देशों में चल रही थी, लेकिन कामयाबी दिवाकर को मिली। 23 साल के दिवाकर ने किसी बड़े संस्थान से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन रोबोटिक्स और रिसर्च की दुनिया में वो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले महज 18 साल की उम्र में वो मानव नाम का रोबोट भी बना चुके हैं जो पूरी तरह भारत में बनाया गया पहला रोबोट था। अगर रोबोटिक्स की बात करूं, हम रोबोट मेरे ख्याल से पिछले कई डेकेड से यूज कर रहे हैं, पिछले कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। हमारे आसपास कोई ऐसा रोबोट नहीं है जिससे हम अपना काम करा सके घर पे या फिर हमारी ज़िंदगी जो आसान कर पाए। और उसी के अंदर सबसे पहले हमारा जो स्टेप था उसके अंदर हमने मानव बनाया। मानव बेसिकली एक होम पर्पज़ रोबोट तो नहीं है, लेकिन एक रिसर्च पर्पज़ रोबोट है। जैसे आपको कंप्यूटर सीखने के लिए, एक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए, अगर आपको एक फोटोग्राफर बनना है तो एक कैमरा चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको एक रोबोटिक्स रिसर्चर बनना है तो आपको एक रोबोट चाहिए ही चाहिए। इस व्हीलचेयर की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है, जो किसी भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर जितनी ही है। इसे मरीजों पर टेस्ट भी किया जा चुका है और अब तक बढ़िया प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जब दिवाकर से पूछा गया कि क्या सरकार या किसी सरकारी संस्थान से उन्हें कोई जवाब मिला है, तो उनका जवाब थोड़ा निराशाजनक था। हमारे लिए क्या मायने रखता है कि अगर हमने कोई चीज बनाई है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, और दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन गेट आउट ऑफ सोसाइटी। और जब वो नहीं मिलता तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या फायदा है। एंड देन फिर हमारा वही दोबारा मनी मेकिंग आस्पेक्ट पे हम पहुंच जाते हैं कि ठीक है भाई, जब जिसके पास पैसा है उसी की कदर है। उम्मीद करें कि ये व्हीलचेयर जल्द ही बाजार में दिखेगी। बेशक किसी को इससे तालमेल बैठाने में कुछ वक्त लग सकता है। जय जवान जय किसान जैसे नारों से अब हम मेक इन इंडिया जैसे नारों तक पहुंच गए हैं, लेकिन सिर्फ नारों से काम नहीं होता है, नारों से आजकल बवाल होता है।
हम अपने युवाओं को उनकी काबिलियत को कितनी सहूलियत दे पा रहे हैं, सवाल यहाँ से शुरू होता है। कैमरामैन देवदीप के साथ सर्वप्रिया सांगवान, NDTV इंडिया।